अच्छा एक चीज बताइए, आप कितना पैसा कमाते हैं महीने में? हम यहाँ से मंथ का कम से कम 1,20,000 रुपए कमाते हैं। तो कंडीशन देख के तो नहीं लग रही है आपकी, ये गाड़ी गाड़ी वाड़ी देख के तो नहीं लग रही कि आप 1,20,000 कमाते हैं। तो आप जय श्री राम सभी भाइयों को। तो भाई तुम्हें थंबनेल देख के और टाइटल देख के पता चल गया होगा कि वीडियो किस पे रोने वाली है। तो हाँ भाई बिल्कुल सही कहा, फंसने फंसाने वाले पे। क्या मतलब, एकदम डायरेक्टली बोल दिया क्या मैंने? तो भाई बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग पे। तो भाई नेटवर्क मार्केटिंग पे कई लोग उसको MLM बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, कोई चेन सिस्टम बोलता है। तो इसमें कुछ नहीं होता, बेचे साबुन तेल चम्मच तेल बेचना होता है, ठीक है, कुछ नहीं। एक बंदा खरीदता है और अपने नीचे चार बंदों को बोलता है कि अपने घर की दुकान चेंज करनी है, तो मैं सामान यहाँ से खरीदना है, तो ठीक है। तो मैं इसके बारे में भाई, और इनका सामान इतना महंगा होता है ना भाई, चाय पत्ती 1,000 रुपए की। एक एक बात बताओ, कोई मिडिल क्लास आदमी कैसे खरीद लेगा इतनी, ठीक है। अगर मैं किसी को बोलूँ ले भाई 1,000 रुपए की चाय पत्ती ले ले, ये ले ले, क्यों खरीदेगा भाई? अपना एलोवेरा दिखाएंगे, कहेंगे कि बहन की टैट हमारा अमेरिका से खेती होती है इसकी, ये होती है वो होती है। भाई मेरे घर के ऊपर छत पे लग रहे हैं बतेरे, वहीं से तोड़ के लगा लूँ अपने चेहरे पे। इनके साड़ों के पता नहीं क्या भसूड़ी है, ठीक है। तो भाई नेटवर्क मार्केट में आपको करना कुछ नहीं है, कुछ करना नहीं है, अपने नीचे चार लोग जोड़ने और उन लोगों का चूतिया बनाना है। बिल्कुल सही कहा चिंटू वाला ने, और उन चार लोगों को बोलना है कि अपने नीचे चार लोगों का चूतिया बनाओ। बिल्कुल सही कहा चिंटू वाला ने। तो भाई इन लोगों को जैसे ही पता चला ये फंसने फंसाने वाला गेम है, तो भाई इन लोगों ने अपने नाम बदल दिए। कुछ लोग कहते हैं अपने आप को एंटरप्रेन्योर, ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं अपने आप को मेंटोर, कोई कहते हैं अपने आप को बिजनेस कोच, ठीक है। और ऐसे इंस्टाग्राम पे भाई बतेरे पड़े हैं, बतेरे पक्चोदी करते हुए अपने अपने डीएम कह रहा हूँ स्टोरी में डालेंगे, उसमें डालेंगे वर्क फ्रॉम होम, अर्न डेली 1,000 रुपीज, अर्न डेली 2,000 रुपीज, 1,000 से 2,000 रुपए कमाए, है ना। और उनको बोलेंगे कि भाई कैसे कमाते हो कैसे कमाते हो, तुम्हें भाई मोटिवेशनल फोन पे स्पीच देंगे बहुत तगड़ी कि हाँ तुम गरीब पैदा हुए तुम्हारी गलती नहीं है, अगर तुम गरीब मर गए तो इसमें तुम्हारी गलती है। तो समझ रहे हो इनका भाई, ये पता नहीं ये बिल गेट्स के थ्रोट्स मारेंगे, बहुत लंबे लंबे थ्रोट्स मारेंगे, और इनका भाई सारी गेम मैं जानता हूँ सारी, ठीक है। और इनका कुछ नहीं होता भाई, ये जैसे 3-4 दोस्त इकट्ठे कर लिए, 5,000 रुपए का 5-स्टार होटल बुक कर लिया, उसमें बैठ गए लैपटॉप लेके, और सारा मेरे को समझ में नहीं आता ये सारा लैपटॉप का क्या काम है यार। एक जमाना हुआ करता था कि बंदे अपने उसमें अपनी सैलरी छुपाया करते थे, सब कुछ छुपाया करते थे, लेकिन ये सारे नहीं सुधरेंगे। आज इनको मैं सुधार के जाऊंगा और आपको मैं बिल्कुल अच्छे से गाइड करूंगा। तुम्हारा भाई बैठा है तुम्हारे साथ। जब मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो सारा लोग सकल देखने के लिए पैसे लोग तो कहते हैं घर से मान ले सारा तेज है, 2026 में देखने तुझे कितना बड़ा मंत्री है। भाई ये देख रहे हो भाई, इस लड़के की स्कूल की कॉपी का काम पूरा नहीं होगा, और बातें चोतरा एक से एक। बस मैं इसके लिए इतना कहना चाहूंगा, ना आंड का पता ना गांड का, ज्ञान चोदेंगे ब्रह्मांड का। टेंपल देते हैं बाहर की दुनिया में जो सक्सेस है, और यहाँ आते हैं तो उसको देखते हैं जो साला घर बैठा है। एग्जाम्पल देते हैं जो बाहर की दुनिया में बैठा है वो साला पढ़ता लिखता नहीं है, अपनी नेटवर्क मार्केट में ऐसी तैसी करा रहा है। तो भाई बालक देखना कैसा सा भाई, भाई ये बालक मुझे समझ नहीं आया आदमी है क्या है, मतलब क्या नाम है, छोटा सलमान बदमाश बॉय। मैंने अपने मम्मी को बताया कि मम्मी मैं आपका लड़का ना अब इतना पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया, तो मेरी मम्मी बोली वक्त इतना पैसा तू कमाएगा, इतना छोटा है, इतना छोटा है, देख रहे भाई। Naughty America, nobody, nobody. मैं बड़ा बड़ा इंसेंटिव कमाया, और जब इंसेंटिव मेरा आना स्टार्ट हुआ तो हमने अपने अप्लायंस बोला सर अब तो मैं आरडी बन गया हूँ, अब तो मैं पैसा भी कमाना स्टार्ट कर दिया हूँ, तो सर ऐसा करते हैं समय भी हो चुका है, अभी मैं घर नहीं गया हूँ सर, घर भी जाता हूँ देखता हूँ क्या है क्या नहीं है। तो मेरे अप्लायंस सर बोले कोई बात नहीं है, ले वाले साला पूछने को क्या दिक्कत है। हेलो यो सारे इनके अपलाइन सर, मुकेश सर हो गए, रोहित सर हो गए, ये जितने भी अपलाइन वाले होते हैं भाई बच्चों का भाई नाश मार रखा, सही बता रहा हूँ।
ये सारे जितने भी होते ना, ये इनको ही पापा बना लेते हैं अपना। जैसे ये विवेक बंद्रा को पापा बना रखा है, सोनू शर्मा को पापा बना रखा है कि ये हमारे पापा हैं, ये अमीर देंगे, इनको 10,000 रुपये देंगे और ये हमको अमीर बना देंगे 6 महीने के अंदर। भाई ये जो होते हैं, वही पहली बार बताया था, ये 16-17 साल के बालक को टारगेट बनाते हैं, ठीक है, पहली या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे होते हैं कि भाई खाली बैठे लो, ये काम करो, इनको सेमिनार ज्वाइन कर देगा। भाई तुम्हारा भाई गया था सेमिनार में, मैं तुमको सच बताता हूँ, ये सारे इतना तगड़ा मोटिवेट कर देंगे, इतना तगड़ा मोटिवेट कर देंगे भाई, तुम्हें यूँ लगेगा कि हाँ ले पैसा सारा ओडी मर्सिडीज आईफोन 1.5-1.5 लाख रुपए के, 2.5-2.5 लाख रुपए के फोन कुछ ना है, यूँ खरीद लूँगा यूँ ही। बट ये सारों की सच्चाई कुछ अलग होती है भाई, सारों की पता नहीं किसी और की माँ की किराए की गाड़ी पे मांग के लेके आते हैं। हेलो 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 हेलो, यो सारे बीच में हेलो हेलो क्यों करता रहता है, हैं? बस बच्चे तेरे को इतना कहना चाहूंगा, बच्चे तेरी माँ। रांची में आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से अपने जीवन को सजा और संवार रहे हैं। इस टीम के मुखिया हैं। अरे भाई इसकी शक्ल देख के बच्चे डर जाएंगे भाई, मजाक नहीं कर रहा। तुमने बॉलीवुड फिल्में देखी हैं, वो जो बच्चा पकड़ने वाले होते हैं ओमनी में आते हैं, बच्चा पकड़ के ले जाते हैं, सारा वैसे ही लग रहा है भाई। इसका क्या करेगा ये लड़की अगवा करने वाले लड़के लग रहे हैं भाई साहब। आज आपके कार अचीवर से मिलने वाला हूं, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत से कार को, ये क्या गर्दन गर्दन क्या हिला रहा है, ये क्या है ये, सारे एक जगह खड़ा रहना आराम से। सन 2025 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। आज लोग लड़की वाले के घर से जब कोई संबंध करने लड़के के घर जाता है तो लड़की वाले के पिताजी लड़के से पूछते हैं कि आपका लड़का क्या करता है या कितने बीघा जमीन इसके हिस्से में। लेकिन आने वाले 2025 में हर एक लड़की के माता पिता लड़कों को जब ढूंढेंगे तो वो यही बोलेंगे कि आपका लड़का किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करता है तो ही मैं अपनी लड़की का रिश्ता तय करूंगा। डायमंड से भाई, ये जो बच्चे सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सब बेकार है, हैं। मतलब तुम्हारी डायरेक्ट सेलिंग में भाई 2024 आ रही है, 25 भी आ ही जाएगा। कौन सा आदमी कह रहा है, कौन सा मर्द कह रहा है कि अपनी बच्ची दे दूंगा जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है। तो साढ़े हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड एटीएम, मेरा नाम ज्योति है, मैं बल्लमगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मेरा भी यहाँ से सेकंड लेवल हो गया है जिसकी टोटल इनकम 9,000 रुपए मेरे खाते में आ चुकी है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड एटीएम, हमें करोड़पति बनना है, हमें जगुआर लेना है, हमें मर्सिडीज लेनी है। एक सेकंड, जगुआर लेना है। अबे भाई मुंह में कुछ है क्या, मुंह में पंचे वंचे दबा के बैठा है, सुपारी खा रहा है, ढंग से बोलो, ढंग से। हमें जगुआर लेना है, हमें जगुआर लेना है, कई लोगों का कहना है सर लीडर्स बाहर नहीं निकलते, घर से बाहर नहीं निकलते, काम नहीं करते, पागल नहीं होते, फील्ड में नहीं जाते। अबे सारे पाल चूतिया उतिया है क्या, थोड़ा सा दिमाग से चिल्ला क्यों रहा है, आराम से बता लेना भाई, आराम से बात बता ले, चिल्ला क्यों रहा है आराम से भाई, आराम से। ये ऐसा बंदा है तुम मानोगे नहीं, इसकी चैनल पे जाओगे ना, जाने की जरूरत नहीं है, जाने जाओगे खाली पीली फंस जाओगे। भाई कहाँ हो, जल्दी आओ, फोन पे इनवाइट करने का जबरदस्त तरीका, हाउ टू इनवाइट पीपल ओवर फोन कॉल, डंडा 100% सक्सेस इनविटेशन। अब नेटवर्क मार्केट में भी कटेगा चलान, क्वेश्चन मार्क, सर मैं MLM से हूँ, अननाउन लोगों को कैसे चूतिया बनाएं, ओ सॉरी कैसे इनवाइट करें। मिलती होगी ना कोई प्रूफ, यहाँ पर आपको ID मिलेगी और आपका प्रूफ भी मिलेगा जिससे कि आप लाखों रुपए की इनकम भी होगी। अरे ना भैया, सब चूतिया बनावे वाली चीजें हैं भैया, ये तो चूतिया बनाने वाली ही बात है भाई। देखो पब्लिक भी अब समझने लगी, पब्लिक भी कह रही चूतिया बनाने आ गया है। अच्छा एक चीज बताइए, आप कितना पैसा कमाते हैं महीने में? हम यहाँ से मंथ का कम 1,20,000 रुपए कमाते हैं। कंडीशन देख के तो नहीं लग रही है आपकी, ये गाड़ी गाड़ी वाड़ी देख के तो नहीं लग रही कि आप 1,20,000 कमाते हैं, तो आप 10 महीने में। भाई
मुंह पे पेस्ती मारती, मुंह पे पेस्ती मारती। तो आप 10 महीने में बढ़िया फॉर्चुनर वगैरह खरीद सकते थे या इससे नहीं है ड्राइवर गाड़ी तो किराए किराए भाई ये सब ना पूछ लो ये किराए के मेरे वो ड्राइवर हैं उन्हें अरे चलो उनसे क्या पूछना ले भाई गाड़ी की भी बेइज्जती मार दी कह रहा फॉर्चुनर क्यों नहीं ले आता भैया जी फॉर्चुनर मुझे इस सिस्टम के बारे में पता चला कहीं ना कहीं क्या 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 मुझे इस सिस्टम के बारे में पता चला कहीं ना कहीं 3, 2, 1 मुझे इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली थी कि ये सब फालतू की चीजें होती हैं। फालतू की ही चीजें होती हैं मैडम, फालतू की चीजें होती हैं, फालतू में दुनिया को बेवकूफ मत बनाओ। मम्मी बता रही है प्रोडक्ट यूज करो पैसा कमा लो। कहले कैसे? अरे ये कैसे जाओ कैसे ये यो सारे फ्री फायर वाले बालक इसमें क्यों डाल रखे हैं यार, मेरी समझ में नहीं आती यार। इनकी भाई एज वेज होती नहीं है, इसमें भर्ती करवा लेते हैं पापा मम्मी की आईडी से। मतलब तुम देख रहे हो भाई, मतलब एक छोटे बच्चे का माइंड डाइवर्ट करने में कितना आसान होता है एज कम्पेयर टू दूसरे के बड़े के। मतलब एक तुम इस गेम को समझो भाई, मतलब मैं अगर एक छोटा जो होता है ना घर का जो छोटा बंदा होता है, छोटा बच्चा होता है, छोटा बड़े को देख के सीखता है, ठीक ऐसे ही इनका टारगेट होता है छोटे से छोटे को। और जिसपे जब पैसा नहीं है या कोई बेरोजगार है, इसको टारगेट करना बहुत ईजी होता है, बहुत आसानी होता है। ये देखो मतलब ये एक बच्चा यार, तुम कॉमन सेंस वाली बात है यार, एक बच्चे में बचपना खत्म हो गया है, ठीक है। और यार तुम यार गधे हो यार, बेवकूफ हो यार, तुमसे छोटा बालक इंसान तुम्हें समझा रहा है जिंदगी जीने का, और तुम तुम्हारी आधी उम्र का है और तुम्हें वो ज्ञान दे रहा है। मतलब यार क्या क्या बात है यार, कैसी बातें कर रहे हो यार। तुमने दुनिया दुनिया देख ली, लोग देख लिए, और तुम्हें एक बच्चा समझा के जा रहा है जिसके 1100 के चेक आ रहे हैं। तो भाई नेटवर्क मार्केट में कुछ मिले ना मिले, लेकिन इधर सबके लेवल सबके निकलेंगे। तो भाई मेहनत वही करेगा, लेवल सबके निकलेंगे। नेटवर्क मार्केट में इज्जत के साथ साथ लेवल सबके निकलेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो एंजॉय होगी, मजे करे होंगे आपने और आप समझे होंगे। तो भाई मेरा बस कुछ नहीं है, मैं छोटा भाई समझो या बड़ा भाई समझो, एटलीस्ट देखो यार मैंने कोई सब्सक्राइबर अपने हाइड भी नहीं कर रखे, बस मुझे 600 सब्सक्राइबर कर दो, 600 कर दो यार, 600 तो खरीद होगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। मैं ये नहीं कहता कि तुम इतने कर दो, 600 करो, तुम्हारा भाई बैठा है यार, तुम्हें तब तक है तो मैं सही और गलत का फैसला तुम्हें दिखाता रहूँगा और समझाता रहूँगा, ठीक है। 600 सब्सक्राइबर प्लीज़ 600 सब्सक्राइबर कर देना गाइस, और लाइक कर देना। टारगेट रखता हूँ 51 लाइक्स का, प्लीज 51 लाइक्स, 51 रुपए का प्रसाद चढ़ा दो मेरे नाम का, पर ठोक दो लाइक का। तो प्लीज आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, थैंक यू गाइस, लव यू, जय श्री राम।